आईपीएल में फिक्सिंग के बाद डोपिंग का दाग लगा है। 22 साल के एक ऐसे क्रिकेटर पर ड्रग्स लेकर मैदान पर उतरने का आरोप है, जिसे भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य माना जा रहा था। पहली बार भारतीय क्रिकेटर ड्रग्स के जाल में। शाहरुख खान का ड्रग्स लेने वाला क्रिकेटर गौतम गंभीर का खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल। फिक्सिंग के खेल से आईपीएल उभरा भी नहीं था कि आईपीएल पर डोपिंग का दाग लगता दिख रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 22 साल के तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान के सैंपल ए में प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। ये पहली बार है जब कोई भारतीय खिलाड़ी रैंडम डोप परीक्षण के टेस्ट के किसी भी सैंपल में फेल हुआ है। इससे पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को आईपीएल में डोपिंग में पकड़ा गया था। सांगवान ने आईपीएल सीजन 6 में 2 ही मैच खेले हैं। पहला मैच हैदराबाद सनराइजर्स और दूसरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ। इन दो मुकाबलों में सांगवान ने 4 ओवर फेंके, जहां 12.75 की औसत से इन्होंने 51 रन दिए, जबकि सांगवान एक भी विकेट लेने में नाकाम रहे। पहली बार सांगवान को साल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने $50,000 में अपनी टीम के लिए खरीदा था। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने भी सांगवान के डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने की पुष्टि कर दी है। सांगवान चूंकि दिल्ली की तरफ से रणजी मुकाबला खेलते हैं, इसीलिए बीसीसीआई ने इस वक्त डीडीसीए को पत्र भेजा है, जिसमें सांगवान के ए नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ मिलने की बात कही गई है। अब सांगवान के सैंपल बी के नतीजों का इंतजार है, लेकिन जानकारों की माने तो सैंपल ए को देखते हुए सैंपल बी से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है। आमतौर पर खिलाड़ी मैच के दौरान शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। जब यही सवाल बीसीसीआई के अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना है कि बी नमूने के परीक्षण के बाद ही वो ये जान पाएंगे।